कोरोना वायरस की महामारी को लेकर मोदी सरकार पूरी तरह से आपराधिक लापरवाही का शिकार है। इट्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ मोदी गवर्नमेंट इन हैंडलिंग द कोरोना वायरस। आपराधिक लापरवाही सरकार कर रही है और देश के लोगों की जान खतरे में डाल रही है। पहला सवाल तो यह है कि जो एक्शन ग्रुप है कैबिनेट मिनिस्टर्स का, उसके मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री क्यों नहीं है, उसमें गृह मंत्री सदस्य क्यों नहीं है। कल अगर आपको कुछ हिस्से को या जनसंख्या के एक हिस्से को या किसी पर्टिकुलर इलाके को क्वारंटाइन यानी अलग थलग करना पड़ा तो क्या हेल्थ मिनिस्टर फोर्सेस को यह आदेश दे सकते हैं। दूसरा, इस देश में कोरोना वायरस केवल अब तक 80 लोगों का सरकार के मुताबिक ग्रस्त हैं, पर इस देश के अंदर मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए ग्लव्स उपलब्ध नहीं, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए मास्क उपलब्ध नहीं, N95 कैटेगरी का मास्क भी उपलब्ध नहीं। और यही नहीं, जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं अल्कोहल बेस्ड जिनसे कोरोना वायरस वॉश ऑफ हो सकता है, उन पर 100 रुपया से 500 रुपया की ब्लैक चल रही है। नंबर 3, काश गृह मंत्री, काश मुख्य प्रधान, हमारे प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो साइंस की रिसर्च आ रही है वही पढ़ लेते तो वो ये आगाह कर सकते कि अगर बंद चेंबर है और अगर कोरोना वायरस से अफेक्टेड है तो कोरोना वायरस, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है। कोरोना वायरस सबसे ज्यादा स्टील और प्लास्टिक के ऊपर चिपकता है, वहां 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। गत्ते के बक्से के ऊपर 1 से 2 दिन तक जिंदा रह सकता है। क्या इसकी सूचना आम जनमानस से साझी की गई है? और यही नहीं, इस देश में आपने कोरोना वायरस से ग्रस्त या ना ग्रस्त होते हुए भी लोगों को आने की इजाजत महीनों तक दी। राहुल गांधी जी ने आगाह किया, आपने उसे इग्नोर करके दी। वो केवल टेम्परेचर चेक करके और एक फॉर्म भरवाकर आप लोगों को आने देते थे। पर क्या आपको ये मालूम है कि कोरोना वायरस से अफेक्टेड व्यक्ति 7 दिन से 14 दिन तक एसिम्प्टोमैटिक यानी कोई लक्षण नजर नहीं आते? तो ऐसे में बुखार चेक करने से क्या हो जाएगा? तो कितने लोग आ गए इस देश में पिछले 1.5 महीने में? क्या आपने उन सबका अब टेस्ट करवाया? क्या ये चेक किया कि उनमें से अगर कोई कोरोना वायरस से पीड़ित है तो वो उनके और कौन कौन व्यक्ति टच में आए ताकि वो आगे ना फैले, उनको अलग थलग रखा जा सके? इन सब बातों के बारे में ना सरकार गंभीर है। प्रधानमंत्री जी ने केवल संसद आना बंद कर दिया कि उन्हें कोरोना वायरस ना लग जाए। उन्होंने होली मिलन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया, उन्होंने अपने सब जनसभाएं स्थगित कर दी और जनता के बीच जाना बंद कर दिया। प्रधानमंत्री जी, आप नेता हो इस देश के, अगर इस देश का नेता ही छुप जाएगा तो कोरोना वायरस से जनता को बचाएगा कौन और लड़ेगा कौन? सवाल ये है।